बिहार में शराबबंदी के बाद अन्य प्रदेशों से वहां शराब की चोरी छिपे सप्लाई की जा रही है। खासकर शराब तस्कर हरियाणा से बिहार अवैध शराब की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुर की मुस्तैद पुलिस उनके अरमानों पर पानी फेर दे रही है। रविवार को सहजनवा पुलिस ने 3 कारों में भारी मात्रा में ले जा रही शराब को बरामद करने में सफलता पाई है। इसके पहले भी सहजनवा पुलिस अवैध शराब बरामद कर चुकी है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान रोहतक हरियाणा के विजेंद्र सिंह, पारस ढोल और नवीन हुड्डा के रूप में हुई है। पकड़े गए शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहजवान ने बताया। सामने वाली और एक गाड़ी से लोग भाग गए। कौन सी गाड़ी से? तीनों पकड़ी गई। अभियुक्त एक के पास शायद सर यूपी का नंबर पड़ा हुआ है और हरियाणा नंबर वो जो I-20 कल ही तो पकड़ा तुम्हें रात को। कल क्यों नहीं पकड़ा सर? 24 तारीख को पकड़ा। थाना सहजनवा में 3 जो गाड़ियां हैं उनको पकड़ा गया है और इनके पास से अवैध शराब जो ये हरियाणा से बिहार लेके जा रहे थे वो बरामद की गई है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से एक बरामद में एक जो 32 बोर का एक पिस्टल है वो बरामद की गई है। साथ ही साथ इनके पास से जो अवैध शराब है वो हरियाणा लेके जा रहे थे और इसमें 3 अभियुक्तों को गाड़ी से पकड़ा गया है। कितने की शराब है ये? लगभग 1000 से ऊपर जो इसकी बोतलें हैं वो पकड़ी गई हैं और इनका जो क्योंकि हरियाणा और यूपी में जो रेवेन्यू अलग अलग उनका रेट रहता है तो उसके हिसाब से यूपी के हिसाब से लगभग 3-2-3 लाख रुपए की लगभग शराब होगी।